हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर फिलिया, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। सो यूजीसी नेट रिजल्ट्स आर आउट एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द नेट एग्जामिनेशन एंड ऑल ऑफ देम आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो गेटिंग जॉब्स एंड एवरीथिंग। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं एंड देयर वॉज वन क्वेरी इन टू द कॉमेंट बॉक्स कि आपने ये कैसे किया, बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड द यूजीसी नेट। सो ये क्वेरी थी कि आपने कैसे किया, जस्ट टेल यू दैट एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, कुछ बच्चों का बहुत सारे अटेम्प्ट लेता है, बट दैट डजंट मीन कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग एंड यू आर नॉट स्टडिंग। थोड़ा और पुश करना है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है एंड मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी यू नो यूज़ किया है, और यूज़ करना मतलब एक्सप्लॉइट करना कहूँगी मैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज को बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया है। आई हैव लॉट्स ऑफ यू नो नोटबुक्स प्रिपेयर्ड जिसमें मैंने सिर्फ नोट्स प्रिपेयर किए खुद के। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स? कहीं ना कहीं आप दूसरे के नोट पे रिलाई मत करिए। अगर कोई कोचिंग सेंटर या कोई भी आपको कहता है कि मैं आपको नोट प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है कि नोट्स फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन उस नोट से भी आप खुद का नोट बनाइए। क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं और जब आप रिविजन कर रहे होते हैं तो आपको ईजिली समझ में आता है। तो ये मेरा आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ अटैम्प्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी फिफ्थ अटैम्प्ट था। तो अगर ये था मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है, उसके पीछे रीजन है। हमेशा मैं 1-2% से चूक जाती थी। क्यों चूक जाती थी? क्योंकि मैं अपने जो मैंने नोट्स बनाए उनको ब्रश ऑफ नहीं करके जाती थी, मैं हमेशा नए नोट्स बनाती रहती थी। तो मैंने इतने नोट्स प्रिपेयर कर लिए कि देयर इज लाइक पाइल्स ऑफ नोट्स विथ मी। सी दीज आर माय नोट्स कॉपीज एंड अ लॉट ऑफ देम आर हियर। सो इफ दैट इज देयर, सो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि सबसे पहले तो ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करें, जैसे कि विकिपीडिया है, जैसे कि ब्रिटानिका करके एक साइट है, जैसे कि सेवर एक साइट है। आप इन सबको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, स्पार्क्स नोट्स और इन सबको। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ही डिटेल मैनुअल में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, थीम्स, मोटिव्स, क्या क्या यूज़ हुए हैं, कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा गया। क्योंकि एक बार आप वैसे पढ़ लेते हो ना तो आपको कैरेक्टर याद रह जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ रट्टा मार के जाओगे कि अच्छा ये प्ले था, इसमें ये कैरेक्टर थे, तो वो कभी याद नहीं रहेंगे। देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू सम ओजी बुक्स, क्योंकि अगर आप ओजी बुक्स के नहीं पढ़ने वाले हो तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। ट्रस्ट मी, आप बहुत क्वेश्चंस लगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे कुछ नहीं, PYQ लगा के चले जाया करो, माइट वर्क फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग दैट इट वोंट वर्क फॉर यू। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ PYQ लगा के फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर किया है, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। अब रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नेट क्वालिफाई कर भी लेते हैं, मान लीजिए उसके बाद आप जब जॉब अवेल कर लेंगे कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे, देन वॉट? जब आपका कॉन्सेप्ट जो सबसे ओजी बुक्स में आती है वो ये आती है, विलियम जे लॉन्ग, ये इन्वर्टेड है तो शायद क्लियर नहीं पता चल रहा है, विलियम जे लॉन्ग मैं इसलिए कहूँगी। देखिए बहुत सिंपल सा मेरा थॉट प्रोसेस है, एडवर्ड एल्बर्ट या विलियम जे लॉन्ग को आप डेफिनेटली पढ़िए, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही क्लियर सिंपल मैनर में आपको एक थोरो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ब्रिटिश लिटरेचर क्या है, ठीक है। ये एक अच्छी किताब है, मैंने इसको शायद इतना पढ़ लिया कि ये थोड़ी ऐसी दिखने लगी है, बट ये बहुत अच्छी किताब है। और जब भी आप बुक्स को पढ़ा करिए तो या तो नोट्स रखें और आप स्टिकी नोट्स से जो लिखना है वो लिखें। मुझे स्टिकी नोट्स अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी वजह से बाकी कंटेंट कवर होता है, और बहुत छोटी किताब है। मैं अपने ही पेन पेंसिल से जो मुझे लिखना होता है वो मैं लिख देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये करना क्योंकि इससे मुझे क्लैरिटी मिलती है। जब मैं कुछ नया पढ़ने जा रही होती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा, या फिर मैं रिविजन कर रही होती तो मुझे पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती है, मैं वो जो मैंने अंडरलाइन किया है उनको मैं ध्यान से समझ लेती हूँ, रट लेती हूँ, याद कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे स्टूपिडिटी नहीं है कि रटो मत रटो, सब रट सकते हो, ऐसी बात नहीं। अगर आपका ब्रेन की कैपेसिटी है देन वाई नॉट। तो ये हो गया आपका विलियम जे लॉन्ग, डेफिनेटली पढ़िए, आराम से पढ़िए, जैसे आप एक नॉवल पढ़ते वैसे पढ़िए, सोने से पहले पढ़ लीजिए, और उठ रहे हैं आपका मन खराब है, दोस्तों से बात नहीं हो रही, जस्ट गो अहेड एंड रीड इट लाइक अ नॉवल, ये नॉवल है, ठीक है। आई डोंट प्रेफर दिस बुक फॉर यू नो यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव, मेरे को ये नेट के हिसाब से किसी लायक नहीं लगती। तो सॉरी टू से, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय M.K. नायक, अच्छी किताब है। कोई बच्चा अगर अभी मास्टर्स में है तो भी ये पढ़ सकता है, उसको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की तो कुछ क्लैरिटी होगी। इट्स अ गुड बुक क्योंकि ये आपको मतलब समझा देती है कि मतलब हिस्ट्री क्या है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, कैसे कैसे इंग्लिश जो है वो इंडिया में
प्रोमिनेंस पाती है और उसमें लिटरेचर क्या क्या है, ठीक है। तो ये एक अच्छी किताब है, यू कैन गो थ्रू इट, बट डू नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस, बिकॉज इसमें से अब उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर्स पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उन पे फोकस करने के लिए आपके पास एक ही सोल्यूशन है, वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट बुक इज दिस फेवरेट, माय फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम, दिस इज द रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये दिस इज बाय रॉनल्ड कार्टर एंड जॉन माकरे, एंड दिस इज स्पेशल इंडियन एडिशन। मैंने ये बहुत सस्ते में पा गई थी, 700 समथिंग में। इसकी ओरिजिनल बुक तो बहुत महंगी आती है, तो ये पेपरबैक एडिशन है, लेकिन ये बहुत ही ऑसम बुक है। ये मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि इस बुक के अंदर आपको लैंग्वेज डेवलप बुक्स इन टर्म्स ऑफ यू नो लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन इन टू इंडिया, आई वुड से विच आर रिलेटेड टू दिस लाइक नेट परस्पेक्टिव। तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये अगर आप ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बारे में करना चाहते हैं देन विलियम जे लॉन्ग, बट अगर आप नया कंटेम्प्रेरी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो अलॉन्ग विथ दिस बुक, दिस इज अमेजिंग बुक। तो ये तो आप बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, फॉर श्योर श्योर। नेक्स्ट बुक इज दिस द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ये तो मुझे लगता है कि बीए के बच्चों को भी पता होगा कि ये बुक क्या है, क्योंकि सब पढ़ते हैं, तो ये तो एक मस्ट रीड है, इसको तो आप डेफिनेटली पढ़िए, डेफिनेटली दैट। देन दिस इज ऑल्सो समथिंग आई विल टेल यू, एंड देन दिस इज अ बुक एक्चुअली आई बोरोड इट फ्रॉम माई प्रोफेसर, एंड दिस इज अबाउट द ग्रीक माइथोलॉजी इन अ डे, एडिटेड बाय कल्याणी वलत मैम, शी इज लाइक अ ग्रेट ट्यूटर ऑन यूट्यूब ओनली। आई हैव नॉट रेड फ्रॉम हर, मैंने उनकी कोई भी वीडियो पढ़ी नहीं है वीडियो से, बट हाँ मैंने इनकी ये किताब जरूर पढ़ी थी टू अंडरस्टैंड दी रेफरेंसेज जो पोएम्स में दिए जाते हैं, कि जो ग्रीक रेफरेंसेज रहते हैं, द किंग ऑफ बुक्स, द किंग ऑफ एवरीथिंग। मैंने ये बुक को इस साल पढ़ा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अगर ये नहीं पढ़ा होता तो शायद मेरा नेट नहीं क्वालिफाई होता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो ये जो किताब है ये महाराज, तो ये है ऑक्सफर्ड कॉन्साइज कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर बाय डायना बर्च एंड कैटी हूपर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही कॉन्साइज बुक है, और कसम से कह रही हूँ इस किताब में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यू विल गेट एवरी ईच एंड एवरी थिंग इन दिस बुक लाइक डिक्शनरी। तो ये मिनी डिक्शनरी है लिटरेचर की, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यू नीड टू सर्च, यू वांट टू नो अबाउट द कैसल ऑफ परसिवरेंस, तो इसमें ये सी वाले सेक्शन में आपको कैसल ऑफ परसिवरेंस मिल जाएगा। तो उसे भी रीड करते वक्त आप अपने साथ हाईलाइटर रखें, हाईलाइटर तो भाई आपके जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाना चाहिए इफ यू आर रीडिंग फॉर नेट और एनी एग्जामिनेशन आई वुड से, ठीक है। तो ये वन थिंग, दीज आर माई फ्लैश कार्ड्स। अब देखिए छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स से तो आपका नेट होने से रहा, राइट। तो मैं फ्लैश कार्ड्स क्यों बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को ब्रश ऑफ करने का जो आदत लगा अभी लगा, पहले नहीं था, तो अभी मैंने ये आदत पकड़ी है कि अपनी जो भी आप पढ़ रहे हैं एग्जाम टाइम के कुछ दिन पहले आप ब्रश ऑफ करो, उसको समझो कि आपने जो रिवाइज करना है, रिवाइज के बाद भी आपको कुछ ऐसा चाहिए जो जल्दी जल्दी आपने आपको ब्रश ऑफ करने के काम आए। तो ये देखिए, ये मैं ये ऐसे फ्लैश कार्ड्स बनाती हूँ छोटे छोटे, उनमें मेरे को जो लिखना होता है, जैसे अलेक्जेंडर पोप के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है, फिर बाद में ये जोसेफ एडिसन के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं, जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंटर्स मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखती हूँ। जैसे सैमुअल जॉनसन के बारे में लिखा है ना, आप बोलेंगे इतने छोटे मैं कैसे लिख लेती हूँ मैम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखना हो, इंपॉर्टेंट जो मैं भूल सकती हूँ वो मैं इसमें लिख के रखती हूँ कि मैं भूल जाऊँगी, जो याद रहता है वो तो याद ही रहता है। और ये देखिए एज ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में है, फिर ड्राइडन के बारे में है, राइट, ये सब चीज़ें हैं। तो ये है, ये आपको करना पड़ेगा, ये मेरे पास और भी है, ये तो पेपर टू के लिए ना, पेपर वन के लिए भी बहुत सारा मेरे पास पड़ा है, तो पेपर टू के लिए आप ये सब करिए। पेपर दे दिस इज समथिंग विच इज़ नेवर एंडिंग। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि ठीक है यार ऑक्सफर्ड लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ ली, बहुत हो गया मेरे लिए, भाई मेरे को बहुत नॉलेज हो गई, तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों कह रही हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि आप ये समझना चाहिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये डेली एडिशन है लिटरेचर में, आपको देखने को मिलेगा हर साल कुछ राइटर्स ऐड हो जाते हैं, कंटेम्परेरी राइटर्स जो होते हैं वो तो ऐड हो ही जाएंगे, राइट। तो आप इतने छोटे में अपने आप को नहीं बांध सकते। मेरे पास इतनी नोट्स की कॉपीज़ है कि मैं आपको शायद दिखा भी नहीं पाऊंगी, इतनी ज़्यादा नोट्स की कॉपीज़ हैं।
तो वही इशू होता है कि आप या मैं क्या करते हैं, हम एक दूसरे को ये समझ चाह देते हैं कि इतना काफी नहीं, इतना काफी नहीं है। बहुत सारा और कंटेंट है जो लोग कहते हैं कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, नहीं वो नहीं, इस पे आप लगा सकते क्योंकि एक सेट सिलेबस नहीं है। आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ ये बुक पढ़ लो, राइट। तो जब सिलेबस नहीं तो मतलब जितना जहां से नॉलेज मिल रहा है सब बटोर लो, लिख लो, रख लो, रिविजन करते रहो, मौका पाने पर पढ़ते रहो। बस यही आप एक चीज कर सकते हो। और थोड़ा भगवान पे भरोसा करो क्योंकि इतनी मेहनत करोगे तो शायद हो सकता है इस अटेम्प्ट नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, पर निकलेगा जरूर। तो ट्रस्ट गॉड एंड ऑल व्हाट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू माय लाइफ। एंड आई वुड से कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जून एग्जामिनेशन। लेट्स होप एंड मैनिफेस्ट दिस थिंग टुगेदर दैट एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो विल गेट नेट और GRF इन दिस June examination. So heads up and keep preparing. Thank you so much for watching.